तो बवाल बहुत सारे हो रहे हैं, देशद्रोह है, रोहित वेमुला है, ये मसले हैं जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। एक और मसला जुड़ गया है महिषासुर का। गुरुवार को राज्यसभा में स्मृति ईरानी ने देवी दुर्गा के अपमान को लेकर जो बातें जेएनयू में कही गई थी महिषासुर दिवस को लेकर, उस बयान को पढ़ा था, राहुल गांधी पर हमला बोला था, तो कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। स्मृति ईरानी के बयान पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया और अब खुलासा हुआ है कि 2013 के महिषासुर दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद, हालांकि उस वक्त वो बीजेपी में नहीं थे, उदित राज भी शामिल हुए थे। खबरों की माने तो बीजेपी के सांसद उदित राज अक्टूबर 2013 में महिषासुर दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और खुद उदित राज भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। 2013 में उदित राज बीजेपी में नहीं थे, उन्होंने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की है। तो उनका कहना है कि उस वक्त में अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित था और जो भी बयान मैंने दिया या जो भी मैं वहां जाकर महसूस किया वो मेरा व्यक्तिगत मसला था। मैं जब सामाजिक कार्यकर्ता था तब मैं गया था और जब से बीजेपी में आया तब से मैं गया नहीं। तो ये जो स्मृति ईरानी जी का बयान है एक राजनीतिक बयान है, पॉलिटिकल बयान है और इसका जवाब पार्टी ही दे सकती है। जहां तक सामाजिक विचार है वो अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। मैं पार्टी में आया तो पूरी तरह से पार्टी के विचारों से सहमत हूं, लेकिन सामाजिक विचार अलग होते हैं। वो पहले के थे, पहले 10 साल 5 साल पहले मैं क्या किया क्या करता हूं वो अलग बात, लेकिन जब पार्टी के प्लेटफॉर्म में हूं तो पार्टी के विचार से सहमत हूं। तो सवाल संदर्भ अलग अलग है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन संदर्भ अलग अलग। और अब जवाब दें वो कि दिल्ली से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के महान नेता श्री उदित राज जो सांसद हैं वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कार्यक्रम में गए महिषासुर वाले में, महिषासुर को उन्होंने हीरो बताया अपना। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अब महिषासुर की पूजा करेंगे या मां दुर्गा की पूजा करेंगे? कुछ तो अगर शर्म हया हो तो सांसद को या तो निकालें और क्षमा याचना करें पूरे देश से। मुझे मालूम नहीं है कहां से महिषासुर जो है आ गया है, मुझको मालूम नहीं। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं वो इस तरह की फालतू बातें करते हैं। 2013 में वो हमारी पार्टी के एमपी नहीं थे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि इस देश में हर किसी को अपनी बात अपनी आस्था को बनाए रखने का अधिकार है। इस देश का कण कण शंकर है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये भारत, तो कोई किसी रूप में भी भगवान की पूजा करता है, कोई पत्थर में, देवी में, देवता में। मैं आपको भगवान मान के आपको जल चढ़ाने लगूं, दूध चढ़ाने लगूं, मेरी आस्था है। कौन किसे मानता है, किसी की आस्था पर मैं प्रश्न नहीं उठा सकता।